चलिए पूजा का टाइम होने वाला है, जल्दी से मेकअप कर लूँ थोड़ा सा। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी ऑफिस से आ चुके हैं, इनका भी व्रत है, तो ये चले गए नहाने धोने तैयार होने। तो यहाँ पर मेरे फेस में क्रीम पहले से लगी हुई थी, इसलिए मैंने क्रीम नहीं लगाई है, बस थोड़ा सा प्राइमर लगा लिया है, उसके बाद फाउंडेशन और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो भी कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा। तो ये मेरा मेकअप हो गया है, लाइट मेकअप, लाइट आई मेकअप और ये सब। थोड़ा सा थ्रेडिंग नहीं करवा पाई हूँ, थ्रेडिंग अगर कर लेती तो ठीक रहता, बहुत मोटी मोटी सी हो रही है। तो ये हो गया मेकअप। और उसके बाद हेयर स्टाइल में मैंने बना लिया है ये जूड़ा, उसी तरीके का पब वाला, दो भाग में डिवाइड करके बस फटाफट से ये जूड़ा बन जाता है। और बस मैं अब अपनी ज्वेलरी चूड़ी वगैरह ये सब पहन लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तब भी 20 मिनट तो लग गए हैं तैयार होने में, क्योंकि आप जब पूरी तरीके से तैयार होते हो तो थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर मैं ये फ्लावर ले आई थी बालों में लगाने के लिए, तो ये भी लगा लिया है। और ये है मेरे चूड़ियों का सेट, और ये चूड़ियाँ मैंने अलग अलग ली थी, चूड़ी अलग कंगन अलग, मैंने पूरा सेट नहीं लिया, पूरा सेट भी मिल रहा था लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा ठीक लग रहा था, अलग अलग करके मैंने अपना खुद का ऐसे सेट बना लिया है, क्योंकि सेट बहुत महंगे महंगे मिल रहे थे, 500 समथिंग के मिल रहे थे, ये बहुत सस्ता पड़ गया मुझे। तो ये हो गया मेरे चूड़ियों का सेट, और ये पहन ले रही हूँ मैं अपना नेकलेस, और ये भी तैयार हो गए हैं नहा धो के। और यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, जब से ऑफिस से आए तब से ही बारिश हो रही है, बहुत तेज़ तेज़ से, बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं, ये बार बार देखने जा रहे हैं कि मतलब मौसम खुलेगा तभी चाँद निकलेगा, मौसम ही नहीं खुलेगा तो इनको ये डर लग रहा है कि पता नहीं बारिश कितनी देर होगी। और यही हुआ था आगे चल के, क्योंकि पूजा मेरी बहुत पहले हो गई थी, जैसे ही मैं तैयार हुई वैसे ही मैंने जाके पूजा वूजा कर ली थी। और थोड़ा सा ये एयरिंग्स मुझसे नहीं बन रहे थे, क्योंकि ये मैं पहली बार पहन रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो तो। तो फाइनली मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए गजरा भी लगवा लिया है मैंने, वैसे तो मैं ले आई थी आर्टिफिशियल वाला, लेकिन ये वाला भी लेके आ गए थे। और महावर लगाने के लिए रह गया था, क्योंकि महावर मैं एकदम लास्ट में लगाती हूँ, तो चलिए महावर भी लगा लेते हैं। लेकिन नेल पेंट तब भी रह गया था, क्योंकि नेल पेंट लगाना मैं भूल गई थी, और उसके बाद जल्दी से चली गई पूजा करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेहंदी तो लगी हुई थी ना, तो ये लग गया महावर। और ये चक्कर काट रहे हैं आया है या नहीं आया है, क्योंकि इस बार का चांद का इंतजार ना बहुत लोगों को है, जैसे कि रमा को भी है, मुझे भी है, और मौसम का देवर देख के ऐसा लग रहा है कि मौसम भी चांद का ही इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी मौसम को गुस्सा आता जा रहा है, थोड़ी सी हवा तेज चल रही है, आंधी आ रही है, लेकिन चांद नहीं आ रहा है। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग छत में पूजा कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ घर के अंदर पूजा करते हैं, फिर केवल अर्घ देने के लिए छत पे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सामान लगाया है। और मैं मंदिर में नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मंदिर में कैलेंडर वगैरह अच्छे से नहीं लगाते बनता, तो इसलिए मैंने कमरे में यहाँ पे हॉल में अलग से एक जगह पे पोछा लगवा लिया है, और यहीं पे मैं सारा सामान लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चौकी और ये प्रसाद वगैरह सब कुछ लगा लिया है, और उसके बाद चौक भी पूर ली है, और यहाँ पर ये हैं मेरे करवे। तो ये जितना ये सारा सामान है मैं करवों में भरूँगी, एक करवे में मैं भरूँगी जल और दूध मिला के दोनों, और थोड़े से चावल, और दूसरे वाले करवे में जो प्रसाद होता है, ये फरे जो मैंने बनाए थे फरे, और सात पूड़ियाँ छोटी वाली, और सात लड्डू, इन सबको मैंने भर दिया है। तो ये दोनों करवे तैयार हो गए हैं, और जो तीसरा वाला लोटा है उसका मैं कलश बना लूँगी। तो ये सब मैंने तैयार कर लिया है, सारी थालियाँ लगा ली हैं, पूजा जल्दी हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो इंतज़ार करना पड़ा है वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, यहाँ के हाल इस बार बहुत धोखा हुआ है। और इस थाली में ये सारा जितना भी सुहाग का सामान होता है, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, नेल पेंट, मावर, सिंदूर, ये सब माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, माता पार्वती शिव जी की
तस्वीर भी रखते हैं हम, वैसे बहुत सारे लोग कैलेंडर भी रख लेते हैं, अगर तस्वीर है तो आप तस्वीर भी रख सकते हो। तो ये सारा सुहाग का सामान उन्हीं को चढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक गौर बनाई हुई है मिट्टी की, तो ये जो सिंदूर है वो गौर पे रखते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले पूजा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर और कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो करवे फिर गौर से ही बदल लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो जैसे करते हैं उतना मैंने कर लिया है, और उसके बाद कथा पढ़ ली है। तो यहाँ पे जो किताब में 2-3 कथाएं हैं वो सारी मैंने पढ़ी थी, वैसे कैलेंडर में एक कथा ही रहती है, और उसके बाद में ऐसे करवे बदल लिए हैं। 7 बार गौर से करवे बदल लिए जाते हैं जब कोई नहीं होता है, वैसे जो परिवार में होती हैं देवरानी जेठानी वगैरह उनके साथ में करवे बदलते हैं। और ये फिर गए हैं छत पे देखने के चांद निकले हैं कि नहीं। चांद नहीं निकला, कितना इंतजार करवाएंगे बेटा। तुमको सजा मिलेगी, तुमने मुझसे व्रत रखवाया है, तुमको इसकी सजा मिलेगी। झूठ मत बोलो। बट यार सजा तो मुझे भी मिल रही है, मैं भी कब, जब तक ये नहीं खाएगी मेरे को भी नहीं देगी। तो थोड़ा देर इंतजार करने के बाद हमने सोचा कि चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर ही चल के इंतजार करते हैं, क्योंकि नीचे और बैठा नहीं जा रहा था। एक बार सब पूजा वूजा हो गई तो लग रहा था बस जल्दी से अब निकल। नहीं निकल चुका, कितने बजे? यहाँ तो निकला ही नहीं है अभी, तो बारिश बंद हुई है। आज चांद भाई साहब ने धोखा दे दिया, इतने करवा चौथ में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रात में 10:30 से भी ज्यादा हो गया है चांद नहीं निकले। चांद बगल में तुम्हारे खड़ा है, तुम कहाँ देख रही हो उधर? अरे वो वाला तो देख ले पहले, ये तो सारा दिन देख। फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली। हम तो निराश होके बैठे थे कि अब हमें ऐसे ही पूजा करके नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हमने उठाया कि चलो हम पूजा कर लेते हैं यहीं से, मतलब उस दिशा की ओर, लेकिन जैसे ही मैंने थाली उठाई वैसे ही हमारे चांद आ गए। धीरे धीरे बादल छट के थोड़े से निकल आए। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। पास आओ, खड़े रहो, बैठे बैठे छुलवाओगे। एक सेकंड, अच्छे से करो। अरे तुम्हारे लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, मालूम है कितना अच्छे से पैर रगड़ा है मैंने, तेल लगाया इन पे अच्छे से। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। फाइनली बहुत खुशी हुई, व्रत खोल के दर्शन हो गए चंद्रमा भगवान के, तो इन्हीं का इंतजार टू ऑल ऑफ यू। और चलिए अब खाना खा लेते हैं। थाली लग गई है कड़ी चावल पूड़ी, जो कि मैंने दिन में ही बना ली थी, आपने पिछले वीडियो में देखी होगी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, हमारा तो बहुत लेट हो गया, आप लोग तो खा चुके होंगे अभी। पानी पहले मैंने इनको पिलाया था तो उन्होंने बदला पूरा कर दिया, खाना उन्होंने मुझे पहले खिला दिया, मैं ये ना सोचा कि मैंने पहले खा लिया। शादी के बाद मेरा पहला अनुभव था कि मैंने चंद्रमा भाई साहब की इतने ज्यादा इंतजार किए कि 10:30-11 बजे। और सोचो यार, सोचो मैं क्या बताऊं, सच में आज मैं इतनी अचंभित रह गई कि हम जब बहुत देर वेट करते रहे ना, तब थोड़े से हमें चंद्रमा दिखे, और जैसे ही दिखे हमने पूजा कर ली और पूजा की सो ही गायब हो गए। मतलब आए इतनी देर को थे कि बस हमें दर्शन दे दिए, वरना हम निराश हो जाते कि हमारा करवा चौथ सुना सुना हो गया बिना चांद के। देखो बताओ तूने व्रत रखा क्यों था? व्रत मैंने क्यों रखा था, मैं सही बताऊं तो अगर मैं नहीं भी रखूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे से नाराज हो जाएगी, लेकिन रखने से क्या होगा ना कि इसको कहीं ना कहीं थोड़ी तो खुशी होगी, और अगर पत्नी को अगर थोड़ी सी खुशी हो जाती है उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज करनी है, तो मुझे लगता है कि ठीक है व्रत रख लिया। ठीक है, अभी क्या है कि केमिस्ट्री खुशी, जो लोग कहते हैं केमिस्ट्री आपके बीच में अच्छी है, देखिए वो केमिस्ट्री के लिए क्या है ना कि छोटे छोटे त्याग करने पड़ते हैं, ये बहुत सारे त्याग करती है, मैंने भी थोड़ा चलो व्रत रख लेता हूँ। तो एक बार आखिरी में जाने से पहले हेड्स ऑफ टू ऑल द वुमेन एंड कुडोस टू ऑल द वुमेन, जो कि मतलब पूरे दिन खाना ना खाकर व्रत रखती हैं, पानी भी नहीं पीती हैं, भाई बहुत मुश्किल है। तो फिर मेरी तारीफ क्यों नहीं करते हो? अभी कर तो दी ना, तुम्हारे लिए स्पेशल करें क्या भैया? तो चलिए दोस्तों, इस साल तो व्रत रखवा लिया मैडम ने, अगले साल पता नहीं क्या करना पड़ेगा, अगले साल का अगले साल सोचेंगे। चलिए इस साल का तो अगर करवा चौथ पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है? आया है क्या? आया ही है। तुम आया हो क्या?
नहीं, इसने खुद बोला आया ही है, तो आया ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो सच में पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बहुत जोर देके बोल रही हूँ इस बात को। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस, न्यू ब्लॉग्स आपको डेली डेली ऐसे ही मिलते रहे, और कुछ नया इंटरेस्टिंग लाने की हम अब कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।